पी एस ओ हुकाम ने मुल्क में पेट्रोलियम मसनूआत की सप्लाई रुकने का खदशा जाहिर कर दिया। सैनेट की कायमा कमेटी पेट्रोलियम के इजलास में बताया, ऑयल कंपनीज को पेट्रोल और डीजल पर हर लीटर पर नुकसान हो रहा है। मजीद जानेंगे वहाब कामरान की रिपोर्ट में। मुल्क में जारी सियासी बहरान के दरमियान पेट्रोलियम बहरान भी सर उठाने लगा। इस नए मुमकिन बहरान की वजह है ऑयल कंपनियों की जानिब से तेल की सप्लाई रुकने का खदशा। सेनेट की कायमा कमेटी पेट्रोलियम के इजलास में पीएसओ हुकाम ने खबरदार कर दिया। कमेटी को बताया गया कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बरकरार रहने से ऑयल कंपनियों को फी लीटर नुकसान बर्दाश्त करना पड़ रहा है। कभी इम्कान है कि वो तेल की सप्लाई रोक लेंगी। चेयरमैन कमेटी सेनेटर अब्दुल कादर का सूरत हाल पर बरहमी का इजहार, बोले हर कोई चीख रहा है मगर हुकूमत को इकदाम नहीं कर रही। कायमा कमेटी ने सेक्रेटरी पेट्रोलियम को मामले पर खत लिखने का फैसला कर लिया। पीएसओ हुकाम ने यह भी बताया कि कंपनी के पास पेट्रोलियम मसनूआत का 26 दिन का जखीरा मौजूद है। चेयरमैन कमेटी ने कहा कि अगर ऑयल कंपनीज का कोई जायज मसला है तो इसको हल किया जाए। पीएसओ हुकाम ने यह भी बताया कि रिफाइनरीज को ऑर्डर मिले हुए हैं मगर वो तेल नहीं दे रही। यही सूरत हाल रही तो हम बोझ नहीं उठा सकेंगे। समाने गुज़श्ता रोज ही मुल्क में पेट्रोलियम मसनूआत की किल्लत का खदशा जाहिर किया था। वज़ीर आला पंजाब के गाँव में करो